हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। आज का ये वीडियो हॉल वीडियो है जो कि हमने फर्स्ट क्राई से अनी के लिए मंगाए हैं एजुकेशनल टॉयज़। तो आज हम आपके साथ यही शेयर करने वाले हैं कि हमने कौन कौन से एजुकेशनल टॉयज़ मंगवाए हैं। अनी को तो अपने टॉयज़ के साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आपको भी दिखाते हैं कि हमने क्या क्या मंगवाया है अनी के लिए और इनके प्राइस क्या क्या हैं और ये कैसे हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा फर्स्ट बॉक्स जिसमें है ये प्लेडो सेट है। ये 8 कलर्स का प्लेडो सेट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। दूसरा है हमारे पास ये नंबर ट्रे, नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स टॉय ब्लॉक्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। नेक्स्ट है हमारे पास 5 बुक्स का सेट है जिसमें कि एनिमल्स स्टोरीज हैं और ये सारी अलग अलग हैं, काफ़ी अच्छी दिख रही हैं ये। फिर है हमारे पास एक ब्लॉक्स का सेट जिसमें कलरफुल ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये एक बैग के अंदर आया है। और है हमारे पास एक एनिमल एंड बर्ड्स पजल बुक। तो हमने सारे अपने टॉयज निकाल लिए हैं, तो देखते हैं ये कैसे हैं। ये है हमारे पास अल्फाबेट, देखिए पीछे इसमें लगा हुआ है मैग्नेट और बहुत ही कलरफुल दिख रहे हैं। और आगे देखिए फ्रंट पे इन पे कुछ कार्टून कैरेक्टर्स से बने हुए हैं, कुछ सुंदर सुंदर से पैटर्न बने हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारी नंबर ट्रे जो कि नंबर्स और जो ये ट्रे है दोनों वुड की है और इनकी हेल्प से हम बच्चों को नंबर्स सिखा सकते हैं, उनकी पहचान करा सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी है। यहाँ है हमारी बुक्स, 5 अलग अलग बुक्स हैं ये और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर हैं ये। तो बच्चों को, बच्चे इस एज के बुक्स पढ़ नहीं सकते लेकिन जब आप उन्हें स्टोरीज या राइम्स पढ़ के सुनाइए तो उनको बहुत अच्छा लगता है और उनकी एक पढ़ने की, रीडिंग की जो हैबिट है वो डेवलप होती है। और कार्टून देखना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो ये बहुत। बुक्स का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हम इनको वेट क्लोथ या वाइप से हम इनको क्लीन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड बुक्स है तो आराम से क्लीन हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे गंदे हाथ भी लगाते हैं और वैसे भी ये गंदी हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉय है हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप ब्लॉक्स, ये देखिए कितने कलरफुल हैं और अलग अलग शेप्स के हैं, तो बच्चे इनसे अलग अलग शेप्स का कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, कलर्स सीख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें देख के बना सकते हैं अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डिज़ाइन जो भी उनको बनाने हैं, तो इसमें वो बिज़ी रह सकते हैं। अब एक तरह से उनका माइंड गेम है कि वो इनसे क्या क्या बनाते हैं। ये आ गया हमारे कलरफुल ब्लॉक्स जो बहुत ही प्यारे से सुंदर से छोटू से एक बैग में आया है, येलो एंड ट्रांसपेरेंट बैग, जिससे कि बच्चे अगर खेलते हुए ब्लॉक्स इधर उधर कर दें तो हम वापस से इनमें भर के रख दें, जो हमारे ब्लॉक्स खोएंगे नहीं। और इसके साथ ही आई है एक बुक जिसमें अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग पैटर्न्स दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हम इनको बना सकते हैं, बच्चे इनसे बना सकते हैं देख के। और ये जो ब्लॉक्स हैं, पीसेज हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ईजिली आपस में अटैच हो जा रहे हैं,
तो बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। कुछ ऐसे भी होते हैं कुछ ब्लॉक्स जिनके बहुत ही टाइट होते हैं तो बच्चों से आसानी से जुड़ नहीं पाते हैं, और साथ में इनमें आए हैं छोटे छोटे टायर्स भी हैं तो बच्चे इनसे गाड़ियाँ भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सेट है। फिर हमारे पास ये प्लोइरो जिसमें 8 अलग अलग कलर्स की डो हैं, और ये डो बहुत ही सॉफ्ट है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही लाइट सी अच्छी सी आ रही है। और जिस कलर की इनके कैप्स हैं इन डो की, उसी कलर की इसमें डिफरेंट डिफरेंट डो हैं, कलर्स भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। और साथ में इसमें आए हैं फ्रेम, फिश है, एलिफेंट है, कार है, बटरफ्लाई बहुत सारे हैं, तो बच्चे इनकी हेल्प से अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा सेट है। फिर हमारा आता है एनिमल एंड बर्ड पज़ल बुक। इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पिक्चर्स बने हुए हैं एनिमल्स के, और काफ़ी बड़े हैं ताकि बच्चे उनको रिकग्नाइज कर सकें। और इसमें एक पज़ल मैप भी दिया हुआ है जिनको देख के, जिनकी हेल्प से हम पज़ल अपनी सेट कर सकते हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे इसमें एनिमल्स बने हुए हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स, मतलब काफ़ी बड़े हैं। यह है हमारा मैप, इसमें बाद में मैचिंग भी दी हुई है, जब बच्चे रिकॉग्नाइज करने लगे हैं उनके नेम भी दिए हुए हैं तो बच्चे उनको मैच कर लें। तो काफ़ी अच्छी बुक लग रही है। और साथ में है यहाँ पे इसमें एक पॉकेट जिसमें कि पज़ल पीसेस दिए हुए हैं, और पज़ल पीसेस भी इतने बड़े हैं कि 2 से 3 साल तक के बच्चे उसको आराम से फिक्स कर लें, उनको अटैच कर सकते हैं, बहुत छोटे नहीं हैं, बिल्कुल सही है। ये देखिए कितने सारे पीसेस हैं, और मैप की हेल्प से इनको सॉल्व किया जा सकता है। 3 साल का बच्चा तो ये खुद भी कर सकता है, लेकिन उससे छोटे बच्चे इनको हेल्प से आराम से मैच कर लेंगे, और उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो ये थे हमारे कुछ एजुकेशनल टॉयज़ जो हमने मंगवाए हैं, तो हमें तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको भी अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इनको हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम अपना मॉन्टेसरी रूम सेट करने वाले हैं एक, तो उसकी वीडियो हम बाद में अपलोड करेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।